कहा था ना कि स्वीटी मनहूस है, पर ये मनहूस नहीं है, लक्ष्मी है। अगर ये पनौती ही होती तो आपका भाई जिंदा नहीं बचता, आपके घर में कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। आप भगवान पत्थर में देखती हैं, जबकि वो इंसानियत में होता है। अफसोस। बाबा चलिए, आप चलिए। क्या हुआ? वो देखिए, पवार का भाई आ रहा है। जिंदगी भर अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अगर किसी ने इसे दुख दिया या इसकी आंखों से एक भी आंसू निकला तो मैं उसे काट कर रखूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है, इसे कोई ऐसे ही उठाकर ले जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे होते हुए इसे कोई छू भी नहीं। तक ये दिल धड़केगा। रब 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 जाने इश्क गंगा जल सा पाक मेरा। मैं हूँ तेरा।
काटकर वर्मा ने बहुत बड़ी गलती की है, हम उसके खानदान को काट देंगे। भाई को जिसने मारा है वो मरना चाहिए, उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और जिस लड़की के कारण ये हुआ उसे काट डालूंगा। मेरे भाई चाबाज है, वो मेरे घर की इज्जत को लूटने नहीं देंगे। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए, हाथ पे हाथ तरे खड़े रहे। और तुम वर्मा खानदान की औलादो, तू है तुम्हारी जिंदगी पापा। कुछ नहीं कर पाए तो हमारी आंखों के सामने हमारे बेटे का कत्ल कर दिया उस अर्जुन पवार ने। हमारी बहू उस लड़के के साथ भाग गई और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I swear on my pride। अट्रैक्शन लगता था, पर असली प्यार क्या होता है ये मुझे गगन ने बताया। सुना तो था कि लोग प्यार में जान दे देते हैं, पर आज गगन ने कर दिखाया। स्वीटी, तुम्हें गगन से ज्यादा प्यार कोई और नहीं करेगा। तुम वाकई लकी हो स्वीटी कि तुम्हें गगन मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी कोई गगन जैसा ही मिले। तुम्हारा प्यार महान है। अब ये सब बातें छोड़ो और अंदर चलो। आज से तुम इस घर की बेटी हो। अरे क्या सोच रही है बेटा, चलो केक काटो। मुंह खोलो। क्या बात। तेरी हूँ रे, आ जा रे, आ जा रे, वो सनम ना जा रे।
टेंडर की फाइनल डेट है, हमें किसी भी तरह यह मौका हाथ से नहीं गंवाना है। हमारा टारगेट टेंडर नहीं है, पवार है पापा। आपकी इज्जत को हम दोनों भाई जीते जी कभी भी मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते पापा। अब कुछ करने का वक्त है, घर पर बैठने का नहीं, वरना आपका खौफ लोगों में से खत्म हो जाएगा। आप ही कहते हैं ना, जो डरेगा वो मरेगा। आसपास वर्मा के लोग खड़े हैं, आप आए तो उठा लेंगे क्या? तुम्हारी जानकारी से उसका प्लान स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया सर। मेरा प्लान स्टार्ट हुए 6 दिन हो गए। कोई आए जाए तो वो सिक्योरिटी पोस्ट पार करना पड़ेगा, है ना? वहां देखो, अब एक बार रिसेप्शन में देखो, एक बार ऊपर देखो, अब समझ गए तुम बाहर ही रहो। रखता हूं। ओके सर।
आइए सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत मोटे हो गए हो। गोस्वामी जी। हाँ सर। यहाँ बहुत गर्मी है, एसी वाले रूम में चलते हैं। बिल्कुल सर। तुम तो जानते हो तुम्हारे भाई को किसने मारा? उसने। तुमने कहा था जिसने उसे मारा है उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या किया? तुम्हारे घर की इज्जत समान तुम्हारी बहू को तुम्हारे सामने उठाकर कौन ले गया? चक्रवर्ती का बेटा। और तुमने क्या किया? उसे जिंदा नहीं छोड़ने की कसम खाकर तुम भी बैठ गए। उसे मारा क्या? तुम्हारी ताकत और तुम्हारी इज्जत दोनों के साथ उसने खिलवाड़ किया और तुम दोनों हो कि आपस के झगड़े में उलझे पड़े हो। खत्म करो ये आपसी झगड़ा। मार दो उसे, मामला फिनिश। अपने दुश्मन को मारने के लिए कभी टेंडर नहीं निकलता। मेरी बात मानो तो दोनों मिलकर उस लड़के को खत्म कर दो और उस लड़की को उठा लाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। बहुत पुराना दोहा है। गोस्वामी जी। हाँ सर। मैंने पेट्रोल छिड़का या पानी के छींटे? पेट्रोल छिड़का है सर। पेट्रोल छिड़का ना? हाँ सर। मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि सही वक्त आने पर उस लड़के को उसकी नानी याद करवाऊंगा, और अब वो वक्त आ गया है। गोस्वामी जी हमें मीटिंग में जाना है, चलिए। अरे सुनो, जब तक ये माने नहीं इसे छोड़ना मत। छोड़ूंगा नहीं पापा। क्या बात है बेटा, चाय में शक्कर ही नहीं डाली तुमने? शुगर आपके लिए ठीक नहीं है। सर आइए ना, वहां क्यों खड़े? आप ही का घर है, गहरों की तरह क्यों खड़े हैं? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? चलता रहता है सब कुछ ना, उससे जिंदगी रुक थोड़ी जाती है। मैं अपनी बेटी के प्यार को समझ ही नहीं पाया, आपके बेटे को भी नहीं समझ पाया। वो तो महान है, और आपके परिवार की अच्छाइयां भी नहीं देख पाया। जब मेरी बेटी को तकलीफ हुई तो उसको बचाने के लिए आपका पूरा परिवार एक साथ उठ खड़ा हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। आपको शोभा नहीं देता, वो सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी बेटी है। मानसी माँ बनने वाली है। ए, सुखी रहो बेटा। देखा आपने, आपकी बेटी के आने से कितनी खुशी आ गई। अब तो खुश हो जाइए ना। मामू, सारे एम्प्लॉयज को डबल बोनस दे दो। घर में खुशियाँ आई हैं, ताकि वो खुशियाँ और डबल हो जाए। एक पार्टी रखो और सबको आने का न्योता दो। हाँ बेटी, आज बहुत खुशी का दिन है। आज चेहरे पर उदासी नहीं, खुशी होनी चाहिए। नाचो गाओ, मेरा मतलब पार्टी। एंजॉय। जाऊँ जहाँ पर मचाती धमाल हूँ।
पीना। प्लीज गगन, पता चला पापा को गोली लगी है। वो कहाँ है? ऑपरेशन चालू है सर। ऑपरेशन? ये हॉस्पिटल मेरा है और ऑपरेशन मैं ही करता हूँ। आखिर उनका ऑपरेशन कौन कर रहा है? सांस लेते रहना। शुरू किया है, खत्म नहीं किया। तेरी आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ खून निकलेगा। चल निकल।
गगन वो लोग स्वीटी को अपने साथ ले गए। तुमसे कहा था कि तुम्हारी बेटी हमारी बहू बनेगी तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन तूने तो हमारी थाली में जूठन परोस दिया और उस गंदगी को उठाने के लिए तूने उस लड़के को भेजा। मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा को सरेआम नीलाम करने के लिए तूने हमारे खानदान की प्रतिष्ठा को दाग लगाने के लिए उसे इस्तेमाल किया। बेटी ने मरकर मेरी इज्जत बचा ली, लेकिन तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या करूं तेरा? आप भले ही मुझे और डैडी को मार दीजिए, बस गगन और उसके परिवार को कुछ मत कीजिए प्लीज। मेरी इज्जत नीलाम करने वाले को मैं बख्श दूं? भैया, हे कुछ। उसकी वजह से आज आप जिंदा हैं। ये उसका प्यार है। बवार! जब तक वो मेरे घर की बहू थी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसने उस लड़के का हाथ थामा हमारे लिए वो बाजारू हो गई। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट मेरे रास्ते से। प्लीज मेरी बेटी को मत मारिए, छोड़ दीजिए उसे। रुक जाओ भैया, अनर्थ हो जाएगा। स्वीटी की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। तुम लोगों ने रुलाया उसको, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्यार झूठा है। लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए तो लोग लाइफ नहीं छोड़ते, लोग प्यार को ही छोड़ देते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। प्यार किया है तो पूरी तरह निभाऊंगा। जैसा प्यार मैंने अपनी माँ से किया, अपने पापा से किया और अपने भाई से किया, वैसा ही प्यार मैं इससे भी करूंगा। मैंने कसम खाई है कि मैं इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मारना पड़े, काटना पड़े या कुछ भी करना पड़े। कोई हाथ तो लगाकर दिखाए इसे। आज तुमने इसे रुलाया, आज सब मरेंगे, एक एक करके आ जाओ।
तूने कहा था मेरे पूरे खानदान को मारेगा। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। जब जब इस दुनिया में तुझ जैसे राक्षस पैदा होते रहेंगे, तब तब उसे खत्म करने के लिए मुझ जैसे लोग पैदा होंगे। अगर मैं अपने प्यार के लिए जान दे सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ, और आज मैं तेरी जान लूंगा। इज्जत जान लेती है और मोहब्बत जान देती है, तो बड़ा क्या है। तुम अपनी शान और शौकत, आलीशान जिंदगी, अपने गर्व और इज्जत को जिंदगी समझते हो। जानते हो मेरी जिंदगी क्या है? मेरे परिवार का प्यार, तो बड़ा कौन हुआ। तुमने सिर्फ इस लड़की को मारने के लिए अपने बेटे के हत्यारे से हाथ मिला लिया। कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अब किस बात का घमंड है? जा, छोड़ दिया। तुमसे मिलने जाओ, मिलो उनसे जाकर, सब तुम्हारे अपने। बेटा, शादी के कार्ड पर तुम्हारा नाम स्वीटी लिखना है या कुछ और? कुछ और सोचा है तो बता दो। स्वीटी। अरे वाह, क्या नाम है स्वीटी, बहुत स्वीट।